हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे थे मिनी स्विट्ज़रलैंड, जिसे बैसरन कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है वो। एक पहलगाम का बहुत ही अच्छा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग आज सब जा रहे थे ट्रेकिंग करके, मतलब चल के। वहाँ से आप चल के जा सकते हो या तो हॉर्स राइड ले सकते हो, बट चल के जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्योंकि वो पहाड़ चढ़ के हमें ट्रैकिंग करके जाना होता है। और मैंने कभी ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस लिया नहीं था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा था मैं हॉर्स राइड से जाऊँगी, बाकी सब ट्रैकिंग करके आएंगे। यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो गया था, सारे बच्चे थे, पूरे कंट्री के, आउट ऑफ कंट्री के, इराक, ईरान, वहाँ के भी बच्चे थे और हम इंडिया के सब बच्चे थे। तो हम लोग सब मिल के जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था ट्रैकिंग करने में। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो हम लोग जा रहे थे, ये देखिए मुझे हाथ पकड़ पकड़ के वो लेके जा रहे थे। मतलब कि नॉर्मल आप वॉक करोगे तो आपको इतना नहीं लगेगा, बट पहाड़ जब ऊंचाई पे चढ़ते हो, और वहाँ पे एक तो ऑक्सीजन लेवल कम था, ठंड थी, तो थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। बट एंड में जो रिज़ल्ट था, जो व्यू था, वर्थ था। तो सारे यहाँ पे मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स सब चल रहे थे। फिर हम लोग बीच में रुके, हस्बैंड ने नाश्ता नहीं किया था तो वो नाश्ता कर रहे थे। हम लोगों ने उनके लिए पार्सल लिया था, पराठा। तो सारे लोग खा रहे थे, थोड़ा रेस्ट भी ले लिया, थोड़ा बहुत पानी पिया और फिर से हम हमारे सफ़र के लिए वापस कंटिन्यू करेंगे। और बीच में ही हमें प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे मिल गए थे, हम लोगों ने उनके साथ बहुत इन्जॉय किया, उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। वीडियो में बहुत ज़्यादा खुशी से आ रहे थे वो लोग, सब लोग बाय कर रहे थे। और फिर मुझे ये बहुत प्यारे प्यारे हॉर्स दिखे, मैंने मन बना लिया कि मैं हॉर्स राइड करूँगी अभी, क्योंकि चल चल के बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने वाइट वाला अच्छा सा हॉर्स चूज़ कर लिया और उस पर राइड करते करते जा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, वॉक करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बीच में आधे तक मैंने हॉर्स राइड ले लिया। और दूसरे भी छोटे छोटे जो बच्चे थे हम लोगों के ग्रुप में, वो लोग भी हॉर्स पे थे और मैं हॉर्स पे थी, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता, लेकिन मुझे, मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छी हॉर्स राइड करने आती है। फिर उन्होंने हैंडल किया सारे हॉर्स, मेरा हॉर्स भी वही चला रहे थे और मुझे भी सिखा रहे थे कि हॉर्स को कैसे हैंडल करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे भी आता है हॉर्स राइड करना। तो ये देखिए कितना प्यार से हम लोग जा रहे थे, माशाल्लाह किसी की नज़र न लगे। और खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ पे। और फिर हम लोग पहुँच गए थे बैसरन, जो कि पहलगाम का बहुत ही जाना माना पॉइंट है, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे एंट्री में के लिए टिकट होता है कुछ समथिंग, मुझे पता नहीं था क्योंकि हम लोगों को ऐसे एंटर करने दिया क्योंकि हम लोग स्के मार्शल आर्ट के ग्रुप से थे। तो हम लोग एंटर हो गए और देखते ही इतना प्यारा व्यू था, और जब स्नो होती है तो और भी खूबसूरत होता है। और वहाँ पर बहुत ही अच्छे राइड्स थे, ज़िपलाइन वाला भी राइड था, बहुत ही अच्छे राइड्स है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप देख सकते हो स्विट्ज़रलैंड से कोई कम नहीं है हमारा इंडिया भी, हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाला जून जुलाई का जो टाइम होता है, वहाँ पे स्नो नहीं होता है, वहाँ पे समर सीज़न होता है, तो स्नो आपको देखने बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन आप दिसंबर से मार्च तक जाओगे तो आपको पूरा स्नो मिलेगा। मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी बकरी मिल गई थी, कितनी क्यूट थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैं उसके साथ खेला। और बैसरन जाने के लिए कोई भी रोड नहीं है जो कि आप व्हीकल से जा सकते हो, आपको हॉर्स राइड से ही जाना पड़ेगा। और हॉर्स के लिए आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, पैसे वो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि आप लोग नए हो, तो आपको उसे कम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कश्मीर में आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, तो हर चीज़ में आपको बार्गेन करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आके, मैं बैठ गई थी और सारा व्यू एंजॉय कर रही थी, तब मैंने सोचा था कि लाइव आओ इंस्टा पे, लेकिन नेटवर्क वहाँ पे नहीं है, पूरा नेटवर्क चला जाता है क्योंकि हम पहाड़ चढ़ के जाते हैं। तो फिर सारे लोग अब वहाँ पे घूमे थोड़ा बहुत, फिर असेंबली होने वाली थी और सारे लोग प्रैक्टिस करने वाले थे, और मैं चुपचाप बैठ के सबको देख रही थी। वो लोग सब प्रैक्टिस करते थे, मैं सबको ऑब्जर्व करती थी, सबका वीडियो बनाती थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो यहाँ पे सारे लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, ये देखिए आप सब लोग कैसे असेंबली में खड़े थे और सलीम सर उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और वो उन्हें गाइड कर रहे थे। इसमें भी सेम वो स्टेप जो हमारा सबक नंबर वन में है, लेसन नंबर वन में है, ठीक है, आपका वो वाला फुट 180 डिग्री टू अश्वजा कैट स्टांस, नेक्स्ट वाला अक्रॉस, लेसन नंबर थ्री, फोर, फाइव। और
और यहाँ पे सारे लोगों की प्रैक्टिस हो गई थी, फिर सब लोगों को टाइम दिया गया था कि फ़ोटोज़ क्लिक करें, थोड़ा बहुत इन्जॉय करें, फिर हम लोगों को नीचे जाना था। तो हम लोग के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, हम लोगों ने राइड्स नहीं लिए ज़िप लाइन वगैरह, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थी, लाइन लगानी पड़ रही थी और हमारे पास टाइम कम था, तो हम लोगों ने राइड्स वहाँ पर नहीं लिए। और फिर मुझे यहाँ पर आके शीप मिल गई थी, वो भी बहुत क्यूट थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते ऐसे जानवर। फिर हम लोग नीचे आए, वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे थे, आपको अगर कुछ खाना हो, मैगी या कुछ और। तो हम लोगों ने कुछ लिया नहीं वहाँ से, बस जूस लिया, एक मिक्स फ्रूट वाला टैंक की तरह जूस था, हम लोगों ने वो लिया और वो एंजॉय किया। और फिर निकल के ये वहाँ वही गेट से हमें बाहर निकलना होता है, फिर से जो आप घोड़े से आए हो उसी से आप रिटर्न जा सकते हो, या तो आप चल के भी जा सकते हो। तो हम लोग तो चल के आए थे, घोड़ा तो थोड़ा सा लिया था मैंने, तो हम लोग जाके रिटर्न चल के ही जाएंगे। तो चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, रिटर्न जाते टाइम आप ईजिली चले जाते हो क्योंकि वो उतार होता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट चलते जा रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, मज़ा आया बहुत। तो अगर आप लोग बैसरन जाओगे तो चलते जाने का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। आप लोग पोनी राइड लेना, मतलब कि हॉर्स राइड लेके चले जाना, और हॉर्स को आपने ज़्यादा नहीं देना है, वो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं 3,000-4,000, आपको बस स्टार्ट में बोलना है 800, तो लोग 1,000 में मान जाएंगे, आपका जाना आना 1,000-1,500 तक हो जाएगा एक राइड का। तो ज़्यादा आपको नहीं देना है हॉर्स राइड के, लेकिन जाओगे तो व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पहलगाम में और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाला एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे, गुफरान और ये लोग, तो हम लोग ऐसे ही एंजॉय करते करते जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग अभी नीचे पहुँच गए थे होटल की तरफ, जाके हम लोग खाएंगे, लंच वगैरह करेंगे और फिर रेस्ट करके देखते हैं कहाँ जाते हैं फिर से। अगर शाम में प्रैक्टिस रहेगी तो ये लोग प्रैक्टिस को जाएंगे और मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग एंड ऑल या कुछ तो मेरे स्टडी करते रूम में बैठ जाती हूँ। फिर हम लोग, रात हो गई थी, हम लोग निकल गए, ये लोग प्रैक्टिस को गए, वो करके आए, फिर हम लोग निकल गए थे। ये होटल है, होटल के पास राउंड लगा रहे थे और फिर उसके बाद हमने सोचा कि पहलगाम का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करके आते हैं। पहलगाम का मार्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हम लोग बाय वॉक गए थे। आप लोग रात में हॉर्स राइड ले सकते हो और दिन में वहाँ पे कोई सोर्स नहीं होता, टैक्सी होती है लोकल, आप वो ले सकते हो, और रात में आपको जाने आने के लिए कोई सोर्स नहीं होता, हॉर्स भी नहीं होते, तो आपको बाय वॉक जाना है। तो हम लोग बाय वॉक जा रहे थे, 1 किलोमीटर है वहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर्स है, सॉरी 1 नहीं, तो 2 किलोमीटर्स हम लोग चलते गए थे। वहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्केट है, आप देख सकते हो, वहाँ पे एंट्री करते ही ऐसे लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है और वैसे भी लाइट से मुझे बहुत प्यार है, आप सबको पता है। तो ऑलमोस्ट सारे दुकानें बंद हो गई थी, हम लोग बहुत लेट हो गए थे, बहुत लेट गए थे मार्केट, तो सारी दुकानें बंद हो गई थी। फिर भी हमें डिनर करना था और वहाँ पर बहुत ही अच्छा मसाला दूध मिलता है, तो हमें वो पीना था। तो हम लोग गए थे मार्केट, तो वहाँ पे एक्सप्लोर करे थे। हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे तो थोड़ा जल्दी जाएंगे ताकि कुछ शॉपिंग वॉपिंग हो तो हम तभी कर लेंगे। लेकिन ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स हैं वहाँ पे, खाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन अच्छे हैं। और कश्मीर में ये बात बहुत अच्छी है कि खाने के लिए ऑप्शन हलाल हैं, सारे ऑप्शन हलाल होते हैं, लेकिन खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। मतलब आप समझ लो 350 की एक छोटी सी बिरयानी की प्लेट, बहुत ज़्यादा महंगा खाना है, खाने में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है। और हलाल हराम की आपको कोई टेंशन नहीं है, सारा खाना हलाल होता है, तो खाने के लिए बहुत अच्छा है। और मटन तो बहुत ही अच्छे मटन की डिश होते हैं, और वहाँ का स्पेशल वाजवान है जो कि हम ट्राई करने वाले हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो यह यहाँ पे हम लोग सारे ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे, फिर हम लोग गए थे डिनर करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने लिया था रोगन जोश, जो कि कश्मीर की एक स्पेशलिटी है, रोगन जोश बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पे चिकन मसाला लिए थे क्योंकि हमारा एक फ्रेंड है वो मटन नहीं खाता, तो उसके लिए हम लोग चिकन लिए थे, रोटी लिए थे और खाने को इन्जॉय किया। बहुत ही ज़्यादा यमी खाना होता है, मतलब कश्मीर में खाना सच में बहुत अच्छा है। तो और वहाँ पे प्याज का एक अच्छा कचूमर टाइप बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लगता है। फिर रात में मैंने कॉफ़ी पी और बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी थी, और फिर हम लोग घर चले गए। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कोई भी लिफ्ट दे देता है, मैं बस ऐसे ही जस्ट हाथ दिखाई तो गाड़ी रुक जाती थी और हमें लिफ्ट मिलती थी और हम हमारे होटल तक पहुँच जाते थे। माशाल्लाह कश्मीर के लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड है और मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छे से करते हैं। ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे इनका मैच था, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और मैच स्टार्ट हो गई थी, आप देख लो, एन्जॉय करें उनके मैच को। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत भी गए थे माशाल्लाह। ये वाला प्रोफेशनल मैच नहीं है, प्रोफेशनल मैच तो मैट पर होता है, स्टेडियम में होता है अच्छे वाले, ये वाला नॉर्मल प्रैक्टिस मैच था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर था, हाई एल्टीट्यूड इंटरनेशनल के मार्शल आर्ट का जो कैंप है वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ये मैच था, इसलिए ग्राउंड पे हो रहा था, प्रैक्टिस मैच है इसलिए, वरना प्रोफेशनल मैच तो स्टेडियम में मैट पे होता है। टाइम आउट, टाइम आउट,
भाई मत शिन सैयद नहीं आया एंड गोल्ड मेडल गोज टू हुजैफा ठाकुर फ्रॉम महाराष्ट्र क्लैपिंग कर दो भाई क्लैपिंग कर दो गोल्ड। और फिर यहाँ पे बारिश आ गई थी और हम लोगों के पास अम्ब्रेला नहीं था तो यहाँ पे हम लोगों ने मैट जो होते हैं वो लिए थे और वो सर के ऊपर पकड़ के जा रहे थे। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया और वहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी बारिश लग रही थी तो ये मैट के नीचे हम लोग दोनों जा रहे थे तो एक सर थे उन्होंने हमें कैप्चर कर लिया। यहाँ पे ये लेडीज़ बहुत ही अच्छी लग गई मुझे जाते हुए, कुछ वो फ्लावर्स और घास लेके जा रही थी। और फिर हम लोग रुके, गरम गरम चाय पिए, बारिश हो रही हो तो गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। ये सारे एथलीट अपने होटल जा रहे थे और फिर हम लोग गए तो शॉप्स में ऐसे ही थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, हमें जैकेट्स वगैरह देखने थे तो कुछ जैकेट्स वगैरह हम लोग देख रहे थे क्योंकि हम लोगों को फिर बर्फ़ में जाना था गुलमर्ग में तो उसके लिए हमें जैकेट की ज़रूरत थी तो हम लोग देख रहे थे। घर से हम नहीं लेके गए, हमने सोचा वहीं से न्यू ख़रीद लेंगे। तो गुलमर्ग का व्लॉग भी इंशाल्लाह जल्दी ज़रूर आएगा। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स है, प्लीज़ प्रे करना एग्ज़ाम्स मेरे अच्छे चले जाए क्योंकि मैंने कुछ भी स्टडी नहीं किया है और मैं बस घूम फिर रही थी। मैच में लगते रहता है, अपन दूसरे को चार मारेंगे तो अपने को एक लगता ही है। दूसरों को गिरा डालते हो। बस फिट हो जाए, ट्राई कर लेता है ना, ट्राई कर ले, अगर साइज परफेक्ट है तो यही ले ले, अच्छा है। यहाँ पे हम लोग कुछ शूज़ एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी तो हम लोग वो देखने के लिए आए थे। फिर मैं कश्मीरी जो ड्रेसेस होते हैं वो देखने गई थी, मुझे टॉप ख़रीदना था क्योंकि मुझे वहाँ पे कश्मीरी थोड़ा लुक लेना था तो मैंने वहाँ पे से कुर्ती ख़रीदी और घर वालों के लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। उसके बाद आगे इंशाल्लाह और करेंगे। और ये वाले ना बहुत ही प्यारी कुर्ती लगती है कश्मीर में, वहाँ से हाथ से वो पूरा वर्क किया होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है और पहनने के बाद लुक बहुत आता है। और कश्मीर में कश्मीरी लुक लेना मतलब उन लोगों के कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मैं शॉपिंग कर रही थी, थोड़ी बहुत अंकल से बार्गेनिंग कर रही थी तो यहाँ पर ये कैप्चर कर रहे थे सारे, ट्राई करके देख रही थी। और मैंने कौन से खरीदे मैं आगे फ़ोटो लगा रही हूँ। मैंने ये एक कुर्ता अपने लिए ख़रीदा ब्लू वाला और ये एक वाइट वाला जिस पर पिंक डिज़ाइन थी, तो दोनों बहुत प्यारे थे। फिर घर पर आके मैंने स्टडी की, वहाँ पर जाके भी मुझे स्टडी करना पड़ता है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स है। और फिर उसके बाद रात में हम लोगों ने डिनर किया और ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।